आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। झारखंड राज्य प्रज्ञा केंद्र संचालक यूनियन की पश्चिम सिंहभूम जिला इकाई के सौजन्य से कर्मी को ध्यान में रखते हुए प्याऊ का किया उद्घाटन। संघ के प्रदेश कार्यकारी सदस्य सह जिला संघ के सह सचिव फनी भूषण महतो, जिला कमेटी के सदस्य रॉबिन्सन हेम्ब्रम, पंचायत की मुखिया एवं पंचायत सचिव ने संयुक्त रूप से प्याऊ का उद्घाटन किया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंद गांव प्रखंड के कराईकेला पंचायत भवन के प्रांगण में झारखंड राज्य प्रज्ञा केंद्र संचालक यूनियन जिला इकाई पश्चिम सिंहभूम के सौजन्य से संघ के प्रदेश कार्यकारी सदस्य सह जिला संघ के सह सचिव फनी भूषण महतो, जिला कमेटी के सदस्य रॉबिन्सन हेम्ब्रम, पंचायत की मुखिया एवं पंचायत सचिव ने संयुक्त रूप से पेयजल सेवा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर आमजनों के बीच चना गुण का भी वितरण किया गया। प्रज्ञा केंद्र संचालक फनी भूषण महतो ने कहा कि लोगों का सेवा करना ही हमारा कार्य है, इसलिए इस भीषण गर्मी में भी पंचायत में काम कराने के लिए आने वाले सभी आमजनों के लिए जिला के सभी प्रखंडों में हमारी जिला कमेटी द्वारा संचालकों के सहयोग से पेयजल सेवा की व्यवस्था किया जा रहा है। बताते चलें कि कुछ ही महीना पहले जिला के प्रज्ञा केंद्र संचालक संघ ने अपने संचालक साथी की आकस्मिक निधन हो जाने से उनके पीड़ित परिवार को तत्काल सहयोग के रूप में एक बड़ी आर्थिक राशि की मदद किया गया। इस प्रकार मानव सेवा के क्षेत्र में लगातार कार्य जारी है। जिला कमेटी के सदस्य रॉबिन्सन हेम्ब्रम ने कहा कि ऐसा तो हम साल भर लोगों का सेवा करते हैं, परंतु यदि हमें इस प्रकार की भी सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है तो हम अपने को भाग्यशाली समझेंगे। इस कार्यक्रम में प्रखंड प्रज्ञा केंद्र संचालक दामूराम दिग्गी, मंगल प्रसाद महतो, चेतानंद महतो, दीपक कुमार नाग, रोजगार सेवक मुकेश साहू, समाज सेवी अरूप चटर्जी, सुभाष कालिंदी, सूरज कालिंदी, राजेश मंडल, सराहनीय योगदान रहा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए चक्रधरपुर।